हे गाइस, कैसे हो? आयो पाप अच्छे होंगे। यस प्रियो, बात करने वाले आप यूके के पैन कार्ड का पार्सल किस प्रकार ट्रैक कर सकते हैं आज वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आपने यूटे का वेबसाइट से न्यू पैन कार्ड के लिए या फिर पैन कार्ड करेक्शन के लिए अप्लाई किया है, यदि आपके पास एप्लीकेशन नंबर है बट आपके पास कंसाइटमेंट नंबर नहीं है जिसके वजह से आप स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में आप कंसाइटमेंट नंबर किस प्रकार सर्च कर सकते हो, किस प्रकार अपना पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। जैसे आप वेबसाइट पर आते हैं, विजिट करते हैं, तो यहाँ पर आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगा। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिखा आएगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ जैसे कि यहाँ पर लिखा रहा है यूटीआई पैन कार्ड कोरियर ट्रैकिंग विदाउट कंसाइटमेंट नंबर। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि आपको किस प्रकार कंसाइनमेंट नंबर सर्च करना है, किस प्रकार आपको पार्सल को ट्रैक करना है, ठीक है। पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और जैसे आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर लिखा आएगा हाउ टू सर्च कोरियर ट्रैकिंग नंबर ऑफ यूटीआई पैन कार्ड। तो आपको इस क्लिक है बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक है बटन पर क्लिक करते हैं और आपके सामने ये सा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपना कूपन नंबर DOB डाल के सबमिट बटन पर क्लिक करना है, कंसाइनमेंट नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, एप्लीकेशन नंबर कूपन नंबर में जाते हैं, यहाँ पर अपना जो कूपन नंबर होगा एप्लीकेशन नंबर होगा वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। हमने यहाँ पर कूपन नंबर एंटर कर दिए। यहाँ पर आपको DOB डालने का दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो कैलेंडर वाला, एक डायरेक्ट, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक जगह आपको DOB को एंटर करना होगा। जैसे कि हम कैलेंडर के थ्रू DOB एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जो भी DOB होगा वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी DOB है यहाँ पर। जैसे हमने DOB सेलेक्ट कर लिया, सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कंसाइटमेंट नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर कंसाइट नंबर आ जाता है, लास्ट यहाँ पर डेट भी दिखाई देती है कि ये पार्सल कितनी तारीख को भेज दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कंसाइट नंबर है यहाँ पर मिल जाएगा, जो कंसाइटमेंट नंबर होगा वो IN से एंड होगा, ठीक है। तो इसको आपको कॉपी कर लेना, IN से जो एंड हो रहा है कंसाइटमेंट नंबर, इसको हमने कॉपी कर लिया। बैक आ जाते हैं, पेज को नीचे तरफ स्क्रॉल करना करते हैं। यहाँ पर आपको एक और लिंक मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप हर तरह के पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे से वो मीशो से हो, फ्लिपकार्ट से हो, अमेजोन से हो, पोस्ट ऑफिस हो, किसी भी पार्सल को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना कंसाइनमेंट नंबर को एंटर करेंगे और यहाँ पर ट्रैक नाउ बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर कभी एक बार में डाटा नहीं आता है तो आप 2-3 बार यहाँ पर एंटर करके ट्रैक कर सकते हैं, डाटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर डाटा आ चुका है, यहाँ पर कंसाइटमेंट नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर लिखा रहा है डिलीवरी पेंडिंग ऑन कस्टमर होम, यहाँ पर डेट आएगा कितनी तारीख को ये लास्ट अपडेट हुआ था, यहाँ पर आइटम डिस्पैच और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नेम बताएगा, ठीक है। तो अभी ये डिलीवर नहीं हुआ कस्टमर के होम पर, अभी ये आइटम डिस्पैच हुआ है, तो अभी शायद हो सकता है कि ये पोस्टमैन के पास हो, अभी उसने कस्टमर को नहीं दिया हो, तो इसलिए यहाँ पर जब कस्टमर को दे देगा तो उसकी यहाँ पर लिखा आएगा आइटम कन्फर्म, ठीक है। तो अभी ये प्रोसेसिंग में चल रहा है, तो अभी यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि ये पार्सल कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। जैसे कि ये UTI का पैन कार्ड है, तो यह UTI भवन से चालू हुआ था मुंबई से। तो यहाँ से आप ये पैन कार्ड है आपका पार्सल लगा था और आपके पास आने में कितना टाइम लगा यहाँ पर रीड कर सकते हैं, इतनी तारीख को ये पार्सल लगा तो आपके पास कितना दिन में ये आया है, तो यहाँ पर उसका तारीख है, लास्ट डेट, ठीक है। तो इस प्रकार आप कंसाइनमेंट नंबर के थ्रू अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं और इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि आपका पार्सल कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपना पैन कार्ड को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें।